कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब ठोक देना, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना है। तो आज तुम्हारा भाई रिव्यू के लिए लेकर आया है एपिसोड विस्की की ये बॉटल है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब खोलते हैं इसकी सील और आपको सब बताते हैं इसके बारे में। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा भाई के, जिसमें आपको पूरी जानकारी भी मिले इस विस्की के बारे में, किस तरह की है, रिव्यू पूरा प्रॉपर देखने के लिए। तो अब इसकी बॉटल का ढक्कन खोलते हैं और फिर पहला पैक डालते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने डाल लिया है पहला पैक अपना, और पहला पैक आप देख सकते हो उसमें से निकाल लिया है। अब मैं इसमें स्मेल करता हूँ और इसके बारे में फ्लेवर जरा क्या आता है, क्या नोट्स आते हैं इसके, वो देखते हैं विस्की के। स्मेल तो मीडियम ही है इसकी, हल्की है, इसी रेंज की विस्की में, जिस तरह से आप समझ सकते हैं। इससे पहले वाला भी एक ब्रांड मैंने आपको दिखाया था, उसी रेंज में है ये भी विस्की। टेस्ट इसका थोड़ा स्मूद है, उससे बेटर, हल्का सा, जिसे कहते हैं एक नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाती है, उससे नेक्स्ट कैटेगरी में अगर आप लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। एपिसोड विस्की जो कि ये भी बनाता है एडीएस ग्रुप, जिस ग्रुप की मैंने आपको पहले विस्की दिखाई थी, ये उसी ग्रुप की है। तो इसका रेट आपके स्टेटों में अलग अलग हो सकता है। और ये विस्की के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ, ये सन 2014 से बन रही है और ये उनका सेकंड ब्रांड है एडीएस का, डबल ब्लू के बाद। तो विस्की में कोई कमी नहीं है, टेस्ट हल्का है, लाइट सा है, बहुत ज़्यादा आपको सर पर टच भी नहीं करेगा, मुंह पर भी टच नहीं करेगा एकदम से ऐसे, और हार्ड भी नहीं लगेगा, स्मूथनेस है, पानी के साथ आप इसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वो विस्की है जो मीडियम रेंज में आपको चाहिए हो, ये उस रेंज की विस्की है। आई एम श्योर कि इसमें मोलेसेस ज़रूर मिला है, मोलेसेस और मल्टी इंडियन ग्रेन के साथ ये बनी हुई विस्की है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं चखने के साथ। थ्रू आउट इंडिया मिलती होगी, हर जगह मिलती होगी यार, आप ले सकते हैं। एपिसोड नाम जरूर ध्यान रखिएगा भाई। चीयर्स मेरे भाई। टेस्ट मैंने आपको बता दिया, सुरूर मैं अगले पैक का भी आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, पहला मैंने खींच लिया, दूसरा मैंने डाल लिया। पहले पैक का यही आपको रिव्यू दूंगा कि पहला पैक जो है आप थोड़ा छोटा ही बनाएं, बहुत ज़्यादा हार्ड बना लेंगे तो आपको थोड़ी कोल्ड ड्रिंक की एहसास होगा कि कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, क्योंकि ये मीडियम रेंज विस्की में आ जाती है, मोलेसिस वाली, जैसे आप समझ सकते हो। थोड़ा सा मॉल्ट भी है, जबकि इसके अंदर जो इम्पोर्टेड मॉल्ट होते हैं वो भी हैं इसके अंदर, लेकिन उसका इफेक्ट इतना तेज़ी से नहीं आता, मैं आपको सही राय दूं तो। लेकिन आप ले सकते हो इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है आपकी पॉकेट के ऊपर, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है इस रेंज में तो आप इसे ले सकते हो। दूसरा पैक चीयर्स कर रहा हूँ। दूसरा पैक पीते समय आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप पहला पैक जब पी जाते हो तो ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा स्मेलिंग बहुत कम रह जाती है इस टाइप की विस्कीज में आनी, आपको सिर्फ एक स्मोकी फ्लेवर आता रहेगा और आपको मज़े जो आते ही रहेंगे, तो मज़े आते रहेंगे। तो इस बात पे लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब वो तो आपको पता ही, कमेंट डाउन नीचे करना, कुछ भी कमेंट करना। आजकल बड़ी टिकटॉक पे वीडियोस देख रहा हूँ शराबियों के बारे में आ रही है कि हम लोगों ने भाई अर्थव्यवस्था उठा दी ये 7-8 दिन के अंदर, 12 बजे जितने दिन हुए हैं अभी विस्की को खुले हुए, तो हमने इतने करोड़ों रुपए की दारू खरीद ली, ये हो गया वो हो गया। मैं सब इसको मतलब यही मानता हूँ, अभी लोग परेशान हैं और कुछ लोग जमाखोरी भी कर रहे हैं, उसी वजह से ये सब दिक्कत आ रही है। ब्लैक में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है मार्केट में, बाकी ये सबकी अपनी मर्जी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, एक तरह से जोक की तरह ही आप इस बात को लीजिएगा। जिसको मिल गई भाई वो अपने इंजॉय करे, ठेके पे जाए माल खरीदे पिए, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिंक सेव करे, अपने घर पे रहे, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, ठेके पे भी ये भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से जाओ आराम से लो, दूर खड़े होकर लो, बल्कि किसी को जल्दी हो रही है उसे लेने दो। अब ये करना, पहले आप वाली बात ज़्यादा बढ़िया है, किसी और को जल्दी हो रही है पहले उसे लेने देना, क्योंकि हमें ऊपर जाने की जल्दी नहीं है, ठीक है ना। शराब बाद में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की, मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक एक और अपने आप कर देना, एक ही लाइक होता है वैसे तो, नीचे कमेंट डाउन कर देना ठीक है, क्योंकि भीड़ भाड़ में लगने से कई लोगों की वीडियोस मैं देख रहा हूँ कि भीड़ में लग रहे हैं, चिपक रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, क्या फायदा उस चीज का यार। मैं लेने गए थे शराब और ले आए घर में कुछ और, समझ रहे हो बात को भाई, शराब के चक्कर में, और शराब भी जब भी लाते हो
भाई सैनिटाइज करके लाओ, घर के बाहर रखो पहले चीज़ को, सैनिटाइज करो अच्छे से, तब घर में चीज़ लेके आओ। हाथ पैर सब कुछ सैनिटाइज होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बस जो चीज़ लाई और उठाई और अंदर आगे ले गए। एक एक चीज़ सैनिटाइज हो, एक एक चीज़ जिसे कहते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा घर का काम काज भी बीच बीच में कर रहा हूँ, तो बीच बीच में एडिट भी करना पड़ रहा है, रोकनी भी पड़ रही है वीडियो। तो अब तीसरा पैक मैंने डाल लिया है, 3 पैक से ज़्यादा मैं आपको पता ही है बोलना नहीं चाहता। तो कुछ एक बातें करना चाहता था शेयर आपसे, आपके साथ भी हो रही है क्या? क्योंकि मैंने आज तक देखा है बहुत लोग जब भी दारू वारू पीते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ करते हैं, फेसबुक पे अपनी वीडियोस या फोटोज पोस्ट करते हैं या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, वो दिखना बिल्कुल बंद हो गया है। मुझे लगता है सिर्फ इसकी एक ही कारण हो सकता है, जिनके पास है भी दारू वो जानबूझ के फेसबुक या इस जगह पे मतलब सोशल साइट पर डालना नहीं चाहते कि भाई उनके ही दोस्त या उनके रिश्तेदारों को पता ना चल जाए कि उनके पास दारू है, पर वो कहीं मांगने ना आ जाए या मांग ना ले। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना, क्योंकि अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो इसका मतलब भाई आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हो। तो ये बात का जरूर मेरे को नीचे कमेंट डाउन करना कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने भी नहीं डाली इसी वजह से। मेरे कई दोस्तों के पास बहुत कुछ है लेकिन वो वीडियोस नहीं डाल रहे, ना ही अपने फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है मेरे को कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है आप बताना। फिलहाल 2 पैक के बाद ये तीसरा पैक लगाया मैंने। 2 पैक का सुरूर मीठा मीठा सुरूर है, अच्छा सुरूर है, सुरूर वाइज भी बिल्कुल ठीक है विस्की, ऐसी बात नहीं है। सुरूर तो आपको पता ही आता ही है, 2 पैक के बाद अच्छा सुरूर आ जाता है, लेकिन बहुत हाई सुरूर नहीं है, क्योंकि अब ये ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, या कई बार हर ब्रांड हर बंदे को वैसा सूट भी नहीं करता, तो उस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम तो भाई आपके लिए चैलेंज लेते हैं, देखो हर तरह के ब्रांड को टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो प्लीज़ इस बात पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, आने वाले दिनों में बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करना भाई, और यही तुम्हारा भाई तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता है। सपोर्ट मारो, धड़ा के मारो। चीज़ अच्छी है अगर आपको मिले इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान या कभी भी आगे, आप इसे आराम से परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। क्योंकि हर ठेके पे हर ब्रांड हर चीज़ जो आप लेते हो वो अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, मीडियम कैटेगरी के अंदर ये चीज़ है। अगर आपको ठेके मिल रही हो तो आप ज़रूर खरीद लेना अपने आसपास के, दूर जाना मत। सोशल डिस्टेंसिंग जो मेरा बार बार मैसेज रहता है, बच्चों को वीडियो नहीं भेजना, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, रिस्पॉन्सिबली ड्रिंक करना, वो सारे मैसेज हमेशा नीचे होते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं। तो भाई साइन करता हूँ ऑफ, साइनिंग ऑफ, टेक केयर। और मुझे वो दोस्तों वाली ऐप भी वाली बात पे जरूर कोई ना कोई कमेंट करके बताना भाई, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा इन दिनों। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। नशा करो लेकिन लिमिट में करो। बाय।